जय जननी जगदम्बे भवानी आदिशक्ति तुम हो कल्याणी पावन परम है ज्योति तुम्हारी दर्श तिहाराति सुखकारी नमो नमो दुर्गेश नंदिनी पार करो भव की वैतरणी तुम्हारी कृपा से सब कुछ पावे भक्त तिहारा ही गुण गावे जी मुक्तन की माला अष्टभुजी की शोभा न्यारी छवि तिहारी लागे प्यारी एक हाथ में खड़ग विराजे दूजे में त्रिशूल है साजे तीजा वर मुद्रा का धारी भक्त जनों की विपदा टारी सुखकारी स्वर्गों से है महिमा न्यारी तुमरा दर्शन भक्त जो पावे जन्म जन्म के पाप नशावे महिष मर्दिनी मातु भवानी मात वैष्णो तुम कल्याणी दुर्गा बन दैत्यों को मारे चंड मुंड काली संहारे संसार की शक्ति माता करे सब तुम्हारी भक्ति माता आदि जगत की सुंदरी बाला माता ने सब जग को पाला शिव शंकर की महाकाली तुम ही ब्रह्मा की ब्रह्माणी विष्णु संग लक्ष्मी बन साजे तीनों लोक में डंका बाजे इंगलाज तुम मात भवानी महिमा तुम्हारी न जाए बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी माँ सब सुखदाता ज्वाला बन ध्यानों को तारा श्रीधर माँ वैष्णो का प्यारा तारा रुक्मण माने तारे भक्त लगावे सब जयकारे भैरो मार तुम बनी भैरवी महिषासुर की तुम हो मर्दिनी रक्त बीज चंड मुंड संधारे असुर सभी माता ने मारे सवार हो आती भवानी लांगुर वीर करे अगवानी कंजक रूप लगे अति प्यारा भक्त जनन का वो ही सहारा अस्त्र शस्त्र धारण करती माँ विपदाओं का हरण करती माँ दुर्गा रूप लगे अति प्यारा दुर्ग नाशिनी का जयकारा नौ रूपों की महिमा न्यारी नव रूपा का
इनका दरस परम और न्यारा। ब्रह्मचारिणी दूजी माता, ब्रह्मचारिणी भाग्य विधाता। घंटा है तीजा स्वरूपा, दर्शन इनका परमानुपा। कुशमांडा है चौथा दर्शन, भक्ति में रंग लो अपना तन मन। स्कंद माता है पंचम प्यारा, इनके दरस से हो उजियारा। कात्यायनी का छठा है दर्शन, करो नव रूपों का गुण गायन। प्यारा काली ने असुरों को मारा, महागौरी का नौवा दर्शन, करता तन और मन को पावन। सिद्धिदात्री है नवम प्यारी, जिसने नैया पार उतारी। जिसने नव रूपों को ध्याया, माँ चरणों में जगा वो पाया। जहाँ अंग गिरे सती माँ के, शक्ति पीठ बने वो सारे। पीठ ये सारे पाप मिटाए, हर प्राणी को पार लगाए। दयाला सुख संपत्ति दो करो निहाला। तुमरा गुण श्रद्धा से गाऊं, जन्म जन्म में तुमको ध्याऊं। सतगुरु साईनाथ की पावन कथा सुनाता हूँ। साचे सतगुरु साईनाथ की पावन कथा सुनाता हूँ। कैसे प्रगटे सतगुरु देवा भक्तों आज बताता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ। कैसे प्रगटे सतगुरु देवा भक्तों आज बताता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में शिरडी नामक पावन एक स्थान है। यहीं पे प्रगटे साई गुरुवर, यहीं हुआ गुणगान है। गांव वालों ने देखा एक दिन संत गांव में आया है। नीम के वृक्ष तले आकर के उसने डेरा लगाया है। उसने डेरा लगाया है।
ध्यान समाधि में वो रहता, हवा से बातें करता है, सबका मालिक एक बताता, बात यही वो कहता है। ख्याति फैल गई फिर शिरडी में, ये बात बताता हूँ। ख्याति फैल गई फिर शिरडी में, ये बात बताता हूँ। कैसे प्रगटे सतगुरु देवा, भक्तों आज बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। कैसे प्रगटे सतगुरु देवा, भक्तों आज बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मालसापति साईं कहकर संत को पुकारे थे, पूरी शिरडी गूंज रहे श्री साईं के जयकारे थे। श्री साईं के जयकारे थे, श्री साईं के जयकारे थे। माता कौन है, पिता कौन है, बात कोई ना जाने थे, चमत्कार साईं बाबा के दुनिया ने फिर माने थे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही साईं की शरण में आते थे, साईं उदीपा करके दोनों धन्य धन्य हो जाते थे। ऐसे साईं गुरुवर के मैं चरणन शीश झुकाता हूँ। ऐसे साईं गुरुवर के मैं चरणन शीश झुकाता हूँ। कैसे प्रगटे सतगुरु देवा, भक्तों आज बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। ऐसे प्रगटे सतगुरु देवा, भक्तों आज बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। जीते जी श्री साईं देव ने चमत्कार दिखलाए थे, सांप का जहर उतारा पानी से फिर दीप जलाए थे। भक्तों दीप जलाए थे, भक्तों दीप जलाए थे। अगस्त 1918 शरीर गुरु ने त्याग दिया, उनकी याद में भक्त जनों ने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण किया, समाधि मंदिर जाकर भक्तों साईं का दर्शन पालो जी, द्वार कमाई जाकर भक्तों सोए बाग जगा लो जी। अपनी वाणी से मैं इस दिन साईं का गुण गाता हूँ। अपनी वाणी से मैं इस दिन साईं का गुण गाता हूँ। कैसे प्रकटे सतगुरु देवा, भक्तों आज बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। ऐसे प्रगटे सतगुरु देवा, भक्तों आज बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। ऐसे प्रगटे सतगुरु देवा।